नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। श्री गंगानगर राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू का तीसरा राज्य सम्मेलन श्री गंगानगर महेश्वरी धर्मशाला में किया गया। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया नुक्कड़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। श्री गंगानगर में राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू तीसरा राज्य सम्मेलन महेश्वरी धर्मशाला में किया गया, जिसमें कामरेड डीएल कल्पना जुम्मा खान, कामरेड खेमा राम, कामरेड डायरेक्टर राजेंद्र बांडा वे अन्य कामरेड कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं राजेंद्र कामरेड का कहना है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गरीब मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा। एक गरीब मजदूर बड़ी बड़ी कोठियों का निर्माण करता है और उसके खुद के पास छत भी नहीं होती। नरेगा मजदूरों को देखा जाए तो राज्य सरकार द्वारा 6 बजे पहली हाजिरी बोली जाती है और दूसरी हाजिरी का समय सरकार ने 2 बजे का रखा है। तो इस 50 डिग्री गर्मी में गरीब परिवारों की महिलाएं काम करती है तो आए दिन उन्हें डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। जितनी मजदूरी नहीं मिलती उससे ज़्यादा पैसा अपने इलाज में लगाना पड़ रहा है और न ही कोई नरेगा पर पीने का पानी की कोई व्यवस्था, न ही कोई टेंट की व्यवस्था और न ही कोई डॉक्टर की व्यवस्था। नरेगा मजदूरों का कहना है कि दूसरी हाजिरी का समय 11 बजे किया जाए ताकि इस भीषण गर्मी से बचाव हो सके और मजदूर अपनी मजदूरी कर अपना स्वस्थ रहकर जीवन यापन कर सके।